हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय एनालिटिकल मेथड। नाउ व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? वेक्टर है, इसमें आपके दो टर्म्स होते हैं। वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, इट विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू या ए कैप क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, तभी तक ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इससे प्रीवियस वीडियोस में। अब देखिए, जो वेक्टर ए है, अगर आपका सिंपली एक ही डायरेक्शन में, तब तो बात अलग है कि एक्स के ही अलोंग है, वाई के अलोंग है, जेड के अलोंग है, किसी एक डायरेक्शन में है। अब ये है कि अगर आपका वेक्टर किसी प्लेन में हो या थ्री डायमेंशन सिस्टम में हो, आपका 2D में होगा तो एक्स वाई प्लेन में है, या थ्री डायमेंशनल सिस्टम में और उसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है, ठीक है। तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं, जो एक्स के अलॉन्ग डायरेक्शन है इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल है, ठीक है, ये जनरल चीज़ें हैं। और मैथमेटिक्स में आपकी पूरी बुक होगी जिसमें आप ये वेक्टर्स के ही साथ डील करेंगे, वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, कैसे ये सारी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है, इस टॉपिक पर मैथमेटिक्स में पूरी एक बुक होगी जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे और शायद ट्वेल्थ में भी आपके पास कोई एक चैप्टर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है। आपका यहाँ से ये इनिशियल स्टार्टिंग है, फर्स्ट स्टेप है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए कि आई कैप क्या है। तो देखिए, ए कैप क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो आई कैप भी डायरेक्शन है, जे कैप एंड के कैप भी डायरेक्शन है। आई कैप आपका रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। आई कैप डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के कैप डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, ये आपके डायरेक्शन ही है। जैसे आपका ये ए कैप है, वैसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप है, ये डायरेक्शन है। आई कैप डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे कैप डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस, के कैप डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, आपको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर ए को। तो वेक्टर ए अगर आपका 2D में है या 3D में है, तो इसका कुछ कंपोनेंट एक्स का कंपोनेंट होगा, कुछ वाई का कंपोनेंट होगा और कुछ जेड का कंपोनेंट होगा। वेक्टर ए तो आपका क्या है, रिजल्टेंट है। तो देखिए, ये आपका रिजल्टेंट है वेक्टर ए। अब इसकी क्या, वेक्टर ए है तो इसका मान लीजिए कि एक्स का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा, वाई का कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। अगर हम ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट पे अगर आप पोजीशन देखें, तो ये ए एक्स और ए वाई होगा कि नहीं होगा, ये इसमें एक्स वाई कंपोनेंट होगा, ठीक है, ये इसमें एक्स वाई कंपोनेंट होगा। तो जो आपका एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वही यहाँ पर ए एक्स या ए वाई होंगे या फिर ए जेड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई नया चीज नहीं है, सिर्फ टर्म्स नया यूज हो रहे हैं, ठीक है। या अगर हम 3D की बात करें, तो ये हमारी मान लीजिए कोई एक्स वाई और जेड है, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है, और ये कोई वैक्टर आर है, ये वैक्टर आर है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स है, समझ में आ गया। तो ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं ना, ये एक्स पे इसकी वैल्यू कितनी है, वाई पे कितनी है, जेड पे कितनी है, तो एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। एंड आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, ये डायरेक्शन है। अब आपको रिप्रेजेंट करना है वेक्टर ए को। तो वेक्टर ए में रिप्रेजेंट करोगे तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एक्स के अलोंग प्लस कंपोनेंट अलोंग वाई प्लस कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, तीनों ही कंपोनेंट्स में आप इसको अलग अलग करके, तीनों का सम करके, तब वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर ए है, इसका ए एक्स ए वाई कोऑर्डिनेट्स है, तो ए एक्स ए वाई क्या है, मैग्नीट्यूड है। देखिए, ये क्या होगा, ए एक्स होगा, ये क्या होगा, ए वाई होगा। अब इसके लिए ए एक्स ए वाई है, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट करें, तो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, ए एक्स आई कैप होगा। वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ए एक्स, डायरेक्शन क्या, आई कैप। तो वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप। वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप, ठीक है। ऐसी सिमिलरली अगर जेड होता तो आपका ए जेड के कैप हो जाता, थ्री डायमेंशन के लिए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, या थ्री डायमेंशनल में होगा तो यहाँ पे एक और कंपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा, प्लस ए जेड के कैप। ये समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। मीन्स वेक्टर ए को उसके जो कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, तीनों के अलावा आपने उनके वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। अब जब आप ए एक्स ए वाई या सॉरी
एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग आप जब वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ए एक्स डायरेक्शन आई कैप, वाई के अलॉन्ग मैग्नीट्यूड ए वाई डायरेक्शन जे कैप, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, अगर आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका डिराइव होकर आएगा, कैसे आएगा देखिए, अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री में देखें ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो अगर आप यहाँ पे अगर ट्रायंगल ड्रॉ करें तो ये कंपोनेंट क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है, ये कंपोनेंट क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। अब जब ए कॉस थीटा ए साइन थीटा आएगा तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे एंड उसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ से ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए एक्स एंड ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई। ठीक है, और फिर जब वहाँ से फॉर्मूले में आप उनको स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो वहाँ से आपको ये रिजल्टेंट फॉर्मूला ए मिलेगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एंड टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये आपका थीटा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी ए वाई डिवाइडेड बाई बेस कितना है ए एक्स, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो वेक्टर ए दिया गया है तो आपको उसको कहते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसे कंपोनेंट्स के टर्म में, टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है, नाउ थ्री डायमेंशन देखिए, थ्री डायमेंशन में क्या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, वेक्टर आर की ये पोजिशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसको आर से इसीलिए मैंने रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जनरली आपको हर जगह पोजिशन को वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का पोजीशन है आपका वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा, अब आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे कंपोनेंट्स में कैसे लिखेंगे, वेक्टर आर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स आई कैप डायरेक्शन अलोंग एक्स प्लस वाई जे कैप मैग्नीट्यूड अलोंग वाई जे कैप डायरेक्शन अलोंग वाई प्लस जेड जे कैप। अब यहाँ से इसी फॉर्मूले देखिए, इसी से आपको 3D के लिए इस फॉर्मूले को सेम अप्लाई किया गया है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये वेक्टर आर है ये आर है, दोनों डिफरेंट है ये ध्यान रखना है, ये वेक्टर आर है देखिए जिसमें आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो वो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आपका एक नंबर आएगा, वो कैसे आएगा, आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड क्या है, ये मैग्नीट्यूड है ना, ये नंबर है, इनका स्क्वायर करोगे फिर अंडर रूट करोगे तो आपको आर का वैल्यू निकल आएगा, दिस आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। और अगर ये आर कैप करते हैं या एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका डायरेक्शन होता है। नाउ वी विल डिस्कस वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय एनालिटिकल मेथड। तो ये समझ में आ गया, आप वेक्टर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल मेथड में वेक्टर को जो हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो एरो का जो लेंथ होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका एरो का सिंबल बना हुआ है हेड पर उसके, वो आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब हम नंबर्स में करेंगे आएंगे हम रिजोल्यूशन, उसका रिजोल्यूशन होता है उसका, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज इन कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया गया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, ए एक्स ए वाई ए जेड या बी एक्स बी वाई बी जेड कोई भी नंबर हो सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर आर, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से तो हमारा फॉर्मूला होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, हमारा जो हमने पैरेललोग्राम में फॉर्मूला निकाला था ये है और ये है, तो वेक्टर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट, अगर तो के लिए ए एक्स और सॉरी सिर्फ ए और बी है, ठीक है ना, और सिर्फ आपका एक्स वाई प्लेन में है, देन वेक्टर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला था। अब इसमें देखिए आपका 3D में है, ठीक है, और आपके ए एक्स ए वाई दिया गया है, तो आपको इस तरीके से प्लस करना है जैसे आप जनरली दो वैल्यूज को प्लस करते हो ऐड करते हो, तो वेक्टर ए की वैल्यू पुट करा प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब जब इनको प्लस करेंगे तो आपको प्लस करने का एडिशन का एक कॉमन रूल मालूम है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस क्वांटिटीज़ का होता है ना, होमोजीनियस मीन्स जो एक ही नेचर के हो, जो एक ही नेचर के हो, आप
सेंटीमीटर को या सेंटीमीटर से, डिस्टेंस को डिस्टेंस से आप ऐड कर सकते हो, डिस्टेंस को डिस्टेंस से आप माइनस कर सकते हो, डिस्टेंस को आप मास से ऐड नहीं कर सकते हो। आप 2 kg और 3 cm को क्या ऐड कर सकते हो, क्या इनका सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो मींस आपके जब वैल्यूज का प्लस माइनस होता है तो होमोजीनियस मतलब सेम नेचर की होनी चाहिए। तो जब आप इन वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आई कैप को प्लस करेंगे आई कैप के साथ, आई कैप आपका जे कैप या के कैप से प्लस में नहीं होगा, आई कैप का प्लस किससे होगा, जे आई कैप से, आई कैप का प्लस होगा आई कैप से, एंड जे कैप का एडिशन होगा जे कैप से, एंड के कैप का एडिशन होगा के कैप से। आई कैप एंड जे कैप या फिर जे कैप और के कैप का आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, दूसरे नेचर के ना, वो एक डिस्टेंस, एक वैल्यू आपके एक्स के अलोंग है, एक वैल्यू आपकी वाई के अलोंग है, उनको कैसे आप आपस में प्लस करेंगे, ठीक है। आई कैप जे कैप एंड के कैप क्या है, ये आपके डायरेक्शन अलॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस हैं, तो उन वैल्यूज को आपस में ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन जो सेम वैल्यूज है, जो सेम एक्स के अलॉन्ग वैल्यूज हैं, जो सेम वाई के अलॉन्ग वैल्यूज हैं, उनको तो आपस में आप प्लस या माइनस कर सकते हो। इसीलिए जब आपका प्लस होगा या माइनस होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, आई कैप विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाई आई कैप। आई कैप को आई कैप के साथ लेंगे, जे कैप को जे कैप के साथ, एंड के कैप को के कैप के साथ। तो आपने देखिए आई कैप के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, ए एक्स प्लस बी एक्स, इनको आपस में ऐड करेंगे, प्लस जे कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, प्लस ए जेड प्लस बी जेड के कैप। तो इस तरीके से आपको आंसर आएगा, और आंसर आपका आई कैप जे कैप एंड के कैप के ही टर्म में आएगा। तो इसलिए देखिए इसको आप, ये तो आपका ए एक्स ए वाई ए जेड के टर्म में लिया गया था। अब नंबर्स के टर्म में देखते हैं कि किस तरीके से आप इसके साथ डीलिंग करेंगे। ये गिवन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी इज गिवन एज i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, ठीक है। तो देखिए जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को दोनों को ऐड किया गया, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर दिया प्लस वेक्टर बी कर दिया। ये अगर हम माइनस वाला केस लेंगे, सब्ट्रैक्शन वाला केस लेंगे, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए की वैल्यू पुट करा माइनस वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब जब प्लस माइनस करेंगे तो जैसे सिंपली प्लस माइनस करते हैं, आई कैप को आई कैप के साथ ऐड करो, जे कैप को जे कैप के साथ, एंड के कैप को के कैप के साथ। तो देखिए यहाँ पर 2i कैप है, यहाँ पर आई कैप है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप, जे कैप आ गया 3 है, यहाँ पर क्या माइनस 2 है, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1j कैप, प्लस के कैप कितना है 1k कैप, 1k कैप यहाँ पर आ जाएगा 2k कैप, सिंपली आपका ऐड हो गया। सब्ट्रैक्शन देखिए कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। आप इनको माइनस कीजिए, अब देखिए 2 माइनस 1 1 i कैप, j कैप, j कैप यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, यहाँ माइनस 2 है तो यह प्लस 2 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5j कैप आएगा। के कैप 1k कैप माइनस, यहाँ भी k कैप है माइनस जाएगा, तो k कैप आएगा ही नहीं, कैंसिल आउट जीरो हो जाएगा, k कैप विल बी जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ k कैप विल बी जीरो। नाउ वेक्टर a माइनस वेक्टर b विल बी इक्वल टू i कैप प्लस 5j कैप। तो सिंपली जिस तरीके से आप डील करते हो प्लस माइनस के साथ वैसे ही डील होगा, लेकिन ध्यान रखना है i कैप को i कैप के साथ आपको ऐड या प्लस या माइनस करना है, j कैप को j कैप के साथ, एंड k कैप को k कैप के साथ। नेक्स्ट होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स आपके दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, दो तरह के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को इस तरह डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्रॉस प्रोडक्ट को ये क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मैथमेटिक्स जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हो वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग क्राइटेरिया बना दिया गया, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दोनों के अलग अलग रूल होते हैं, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग रूल होता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, जब हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में और हमें आंसर मिलेगा तब आपको समझ में आएगा कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, और ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।